ओम शांति। आज हम जानेंगे जीवन को सफल बनाने का रहस्य। ये रहस्य स्वयं परमात्मा त्रिमूर्ति निराकार शिव ने ब्रह्मादन के द्वारा स्पष्ट किया। भगवान परमात्मा पिता शिव ने बताया कि आज मनुष्य जीवन जो इतना दुखी है, इतना कष्ट भरा हो गया है, इन सर्व दुखों का बीज क्या है। बाबा ने स्पष्ट किया है, सभी दुखों का बीज है देह का अभिमान। बाबा कहते हैं देह अभिमान सर्व विकारों का बीज है और वो विकार ही सर्व दुखों के कारण है। अब इनसे सहज अगर मुक्त होना है तो उसके लिए भगवान ने रास्ता दिखाया, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी माना आत्म स्मृति में स्थित रहे, संकल्प कर्म बोल संबंध संपर्क में रहने वाले। अगर मनुष्य पुरुषार्थ करके देही अभिमानी स्थिति बनाता है तो मानव जीवन देवतुल्य जीवन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। गीता में भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है। गीता में मनुष्य को मनुष्य का शत्रु नहीं बताया, विकारों को उसमें भी मुख्य बताया, काम महाशत्रु है। मनुष्य अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र समझ बैठा है कलयुग में, यही है अज्ञान। एक अच्छे शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, एक सफल जीवन का अनुभव करने के लिए स्वयं में आत्म संयम को धारण करना अथवा सेल्फ डिसिप्लिन को धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य धारण करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको संन्यास लेना है, विवाह नहीं करना है, नहीं, परंतु सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन में पवित्रता को, संयम को धारण कर जीवन का सच्चा सुख, आत्म संतोष, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन, संपन्न जीवन व्यतीत करना। जो मनुष्य आत्मा खुशहाल एवं सफल जीवन के इस रहस्य को समझकर अपने जीवन में पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को मन वचन कर्म में धारण कर लेती है, वो स्वतः ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। सर्व प्राप्तियों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्राप्तियां हैं। स्थूल माना कि संसारिक प्राप्तियां, संसारिक वैभव, संसारिक जीवन में सफलताएं, श्रेष्ठ पद,
सूक्ष्म माना मन की खुशी, शांति, संतोष, मन की शक्तियाँ, एकाग्रता, तीव्र बुद्धि, आनंद की अनुभूति, ये सब का मूल आधार है संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, जिसमें आत्मा के संकल्पों में शुद्धि होती है, ईर्ष्या, विकार, द्वेष, मुक्त विचार होते हैं। तो उन शुद्ध विचारों से बुद्धि भी हमारी शुद्ध होती है और एक शुद्ध पवित्रता, शांति की अनुभूति में मन नेचुरल रहता है, जिससे हमारे बोल में, कर्मों में दिव्यता और मधुरता आती और हमारे सांसारिक संबंधों में भी स्नेह और सहयोग का भाव बढ़ता है और कर्मों में भी कुशलता आती है, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है, स्वास्थ्य भी हमारा स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी बॉडी की इम्प्रूव होती है। तो प्योरिटी के बहुत महत्व हैं। सोचिए, अगर सुखी जीवन के लिए केवल धन ही काफ़ी था या काफ़ी है, तो आज का जो मनुष्य है, जो धनवान है, जो श्रेष्ठ पद पे है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य क्या है? अगर नहीं है, धनवान संपन्न मनुष्य के जीवन में भी मानसिक चिंताएं हैं, शारीरिक कष्ट है, रोग है, संबंधों में तनाव है, तो ये सिद्ध करता है कि धन ही जीवन को सफल, सुखी बनाने का आधार नहीं है। तो यही रहस्य हमको समझना है, जो भगवान ने हमें समझाया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज मानव के पास सर्व साइंस के साधन उपलब्ध हैं, शारीरिक आराम के, कंफर्ट की सभी लग्जरी प्राप्तियां हैं, तो भी मनुष्य मन को आराम नहीं है। मनुष्य मन को सच्ची खुशी, शांति की अनुभूति नहीं है, क्योंकि जीवन में सच्ची शांति, खुशी की अनुभूति का आधार ही प्योरिटी है, जो जीवन को सफल बनाने की चाबी है, सफल बनाने का एक रहस्य है। अब इस रहस्य को हमने जान लिया, परंतु इसको धारण करने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं लगे, इजी लगे, उसके लिए क्या करना है? राजयोग सीख कर राजयोग का अभ्यास करना है। देही अभिभानी स्थिति में जब आत्मा स्थित होती है, तो उसका मन नेचुरल ही प्योरिटी की स्थिति में स्थित रहता है। इस रहस्य को हमने जाना है, इसको प्रैक्टिकल लाने के लिए हमको देही अभिमानी रहने के लिए राजयोग का अभ्यास करना है, रेगुलर मुरली स्टडी करना है, मुरली को
अनुभव करना है, धारण करना है। ओम शांति।